तो आप सभी के पेपर खत्म हो चुके हैं और मुझे पता है कि आपको ये जानने के लिए बहुत ही दिनों से इंतजार है कि आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, आपका आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो देखो अभी पेपर हुआ, आज 3 तारीख है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 3 तारीख है और आज आपका सोशल साइंस का पेपर था तो आज आपका पेपर खत्म हो गया। अब देखो आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, अब इसको थोड़ा बताता हूँ मैं। क्या होता है कि जैसे आपका आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब बोर्ड की पेपर की कॉपियाँ जमा होंगी, वह जाएंगी चेक होने के लिए, चेक होगी 15-20 दिन कॉपी, उसके बाद जो नंबर होता है वह नंबर नेट पे चढ़ाया जाएगा। इस प्रोसेस में लगभग 30-40 दिन लगते हैं। 30-40 दिन मतलब यह आपका मार्च चल रहा है तो पूरा मार्च आप समझ लीजिए, उसके बाद अप्रैल की 15 तारीख, अब 15 तारीख तक आपके रिजल्ट आने की संभावना कि रिजल्ट हाँ घोषित कर दिया जाए। लेकिन देखो अभी क्या होगा, एक चीज़ से आपको एकदम बच के रहना है यार, इतने सारे भी चैनल नए आ जाएंगे ना जो कि आपको क्या बताएंगे, आज आ रहा है रिजल्ट, कल आ रहा है रिजल्ट, दिन में 10 वीडियो देंगे कि आज रिजल्ट आएगा, आज घोषित हो गया, यूपी बोर्ड ने ऐसे घोषित किया रिजल्ट, ऐसे हुआ, रात 12 बजे रिजल्ट घोषित हुआ, कल रिजल्ट घोषित हो जाएगा, मोदी सरकार ने घोषणा की आज घोषित होगा रिजल्ट, मतलब इस तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगी, मतलब दिन में 10-10 वीडियोज़ बनेंगी। तो पहली बात तो उनसे बिल्कुल बच कर रहना है, एकदम सावधान उनसे मतलब बिल्कुल भी 1% उस पर भरोसा नहीं करना है। और मैंने काफ़ी बड़े बड़े चैनल भी देखे जो कि ऐसे करने लगते हैं, जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हुआ 1-2 दिन में आप देखना आपके सामने इतने सारे वीडियोस आने लगेंगे, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ना जाने कितनी वीडियोस बन जाएंगी। तो आपको इनसे बिल्कुल ही सावधान रहना है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना। भरोसा का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई दे रहा है 4-5 दिन में एक वीडियो दे रहा है, बता रहा है कि हाँ ऐसे ही आएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट से रिलेटेड कोई नोटिस आएगी। और देखो यार अगर आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिस आए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं यार तुरंत आपको बता दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो। आपका रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं, बिल्कुल अगर ऑफिशियल जिस दिन डेट आएगी मैं उसको बता दूंगा। बीच बीच में अगर कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे तो मैं उसको बताता रहूंगा कि हाँ ये हो रहा है अपडेट, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। और क्या है, जितने भी बच्चे क्लास 10th की स्टडी यहाँ से किए हैं मैंने, जैसा कि आपको बताया है कि जो भी टॉप 3 में आएगा रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद मैं चेक करूँगा, जो भी टॉप 3 है ना, तो टॉप 3 में जो भी आया रहेगा उसको अवार्ड दूंगा एक, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना और कमेंट में बताना कौन कौन उसके लिए रेडी है। तो आपने एग्ज़ाम तो बड़े अच्छे से दिए हैं, मैंने आपको जैसा कि इंग्लिश देखो किस किस में आपका पूरा फंसा है, जो मैंने बताया था हिंदी में 95% पूरा फंसा, 97-98% फंसा है, इंग्लिश में तो भाई एकदम कहर मचा दिए थे आप लोग, इतना तगड़ा फंसा है। उसके बाद क्या होगा आपका, आज जो सामाजिक विज्ञान था इसमें आर्ट में आपके पूरे फंस गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, और कौन था एक आपका मैथ हो गया और एक हो गया साइंस, तो साइंस में लगभग 85 तक फंसे, 85-90 तक फंसे हैं। और मैथ का क्या है, मैथ मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उस फॉर्मूले पर आए हैं, मैथ में किसी के सेम क्वेश्चन नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। मैथ में फॉर्मूला अगर आप तैयार किए रहेंगे तो फॉर्मूला बेसिक पर वो सारे क्वेश्चन आए थे, उसको भी आपने अच्छे से किया, लेकिन कुछ लोग की मैथ थोड़ी गड़बड़ गई है, बाकी और सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे गए हैं। तो आप देखते हैं कि किसका रिजल्ट कितना आता है, कौन कैसे किया है, कौन कैसे देखते हैं किसका रिजल्ट क्या रहेगा, जब रिजल्ट आएगा उसी दिन मैं चेक करूंगा, बिल्कुल ही लाइव बैठूंगा आपके सामने और चेक होंगी, और रिजल्ट आपका 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा, कोई भी अपडेट रहेगी मैं आपको दे दूंगा। और एक चीज़, जितने बच्चे 10th पास कर लिए हैं उन लोग को 11th की अगर तैयारी करनी है तो PKM स्टडी, इसको देख लो PKM स्टडी, इस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को डालना, यहाँ पर मैं क्लास 11th की तैयारी शुरू करवा रहा हूँ तो उसको आप लोग कर लेना। और जितने भी आपके भाई बहनों फिर कोई भी हो जो भी 10th में हो तो उनको बताओ यह चैनल, और मोबाइल पे स्कूल पे बताओ कि वो लोग आ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पर आपने ही पढ़ाई की है, आपको ही पता है किस प्रकार से यहाँ पर वीडियोस आई हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन हुई, हर चीज़ें पता है तो आप देख सकते हैं। बाकी हाँ वीडियो को लाइक कर देना और उन सब चैनल से बच कर रहना जो कि आपको फालतू के फेक वीडियोज़ देंगे, क्योंकि फेक वीडियो देखोगे आपका दिमाग में बार बार वही टेंशन घूमेगी। ऐसा नहीं, आप देखो जैसे कि कोई भी यूपी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आई, ऑफिशियल कोई भी नोटिस जारी होगी या फिर कुछ भी होगा जैसे 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए रहना, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, और देखो आपके साथ कनेक्शन बना रहेगा, बीच बीच में 1-2 वीडियो डाल दूंगा अभी, जैसे एक तो लाइव जर्नी अभी आएगी कुछ शायद कुछ घंटे बाद आएगी, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आ गई रहेगी, तो आप देख लेना चैनल पर जैसा रहे। और बाकी क्या करना है, क्या करना है, लाइक कर दो, और एक चीज़ था क्या था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और 11th की तैयारी बड़े अच्छे से आपकी इसी चैनल पर, इसके इस पे तो 10th की होगी, इस जो 11th की तैयारी है वो इसके नेक्स्ट चैनल पर कराई जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बताओ कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।